मस्त ये लग रही है। जाम अभी गर्मी में छोटी रहती है लेकिन ठंडी में बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लगभग इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ी। 10 गुना ज्यादा ठंडी में? वाह कितनी अच्छी जाम है। चलो टेस्ट करते। मैं अक्सर चढ़ा करता हूँ, हम चढ़ के जाम मजे लेता हूँ है, उसके। जाम 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 का है। ये कच्चा है तो ये देखो, ये खींचने पे भी नहीं। वाह क्या बात है दादू, आपको तो काफी जानकारी है। वैसे तो मैं भी एक जाम खाना चाहूंगा, ये भी आसानी से टूट चुकी है। हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं यहाँ भोरगढ़ में दीदी के खेत में, और वो रहा उनका घर, और ये पीछे साइड में इनका बैकयार्ड है, और ये रहा जाम का पेड़ जिसमें बहुत ही छोटा सा जाम का पेड़ है लेकिन जाम बहुत सारी इसमें फली हुई है। तोड़ लो, तोड़ लो। ये कौन सी जाम है दादू? ये सफेद सफेद जाम। टेस्ट करके देखती हूँ। और ये बहुत ज्यादा मीठी है, वो जो बड़ा पेड़ है वहाँ पे, वो जो पीछे साइड में है। अच्छा ये तो बहुत छोटा पेड़ है ना दादू, फिर इतनी सारी जाम कैसे फल गई इसमें? हाइब्रिड। ओ हाइब्रिड पेड़ है ये, है ना? और यहाँ पे टेस्ट करके देखें। और दीदी भी टेस्ट कर रही है जाम। यहाँ भी काफी सारी जाम लगी हुई है, छोटा सा पेड़ लेकिन काफी अच्छी जाम यहाँ पे। ये ज्यादा पकी है, खा के देखिए। मस्त लग रही है। अभी गर्मी में छोटी रहती है लेकिन ठंडी में बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, लगभग इससे 10 गुना ज्यादा बड़ी। 10 गुना ज्यादा ठंडी में? वाह कितनी अच्छी जाम है। चलो टेस्ट करते। मस्त लग रही है, दीदी भी बताएगी कैसे। दीदी मस्त मीठी है क्या? इस पेड़ में कम से कम 25-30 आम फले थे पेड़ में, और बहुत बड़े भी हुए थे, इतने इतने बड़े लगभग। और उसी की वजह से पेड़ झुका हुआ है पूरा। बहुत छोटा पेड़ है ना, तो देखो वो बहुत छोटा पेड़ है, पर उसमें जाम बहुत लगी है। उसकी बड़ी होगी वो कच्ची पूरी। चंदन का पेड़ कौन सा है? ये रहा चंदन। कौन सा चंदन है? लाल। ये लाल चंदन है। आंवला। ये आंवले का पेड़। सारे फूल आए थे। इसमें आम फले थे क्या? नहीं, इसमें अगले या परसों साल फलेंगे, परसों वाले साल फल सकते इसमें। इसने तो मेरी जाम खा गई है, मुझे दूसरी तोड़ना पड़ेगा। ये वाली तोड़ लो, अच्छी अच्छी जाम है यहाँ पे। नहीं ये जिंदा पड़ता है, ये वाली पकी है लेकिन ये कतरी है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगी है जाम। ये भी चंदन का पेड़ है। जो जो दबी, ये कौन सा पेड़ है? ये वाटर एप्पल। ओ वाटर एप्पल, फले भी तो थे वो। उधर अनार का पेड़, ये मैंने खाया भी, अच्छे लगे। वो चेरी का। अच्छा वो चेरी का है क्या? इसमें एक आम फला था, एक कपास। केले। तो दीदी ने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं यहाँ पे, काफी अच्छे पेड़। सबको ला लेना था। इसमें यहाँ पे एक आम फला था जो कि इतना इतना बड़ा था, वो उसकी वजह से ये ऐसा था तो पूरा टूट चुका है। यानी इस साल काफी आम लगे थे, टोटल मिला के 60-70। और ये चंदन का
तो बीच बीच में इन्होंने चंदन के भी पेड़ लगाए हैं। ये वाटर एप्पल का पेड़ है, ये लाल चंदन जो इसकी पुष्पा तस्करी करता है। ओ लाल चंदन, इधर के लाल चंदन छोटे, ये देखो ये नारियल के भी, ये भी लाल चंदन है। ये नारियल के तीन पेड़ है, एक ये नारियल का पेड़ और एक पेड़ मर गया नारियल का। और ये चेरी, चेरी चेरी तो हल्की हल्की लगी है क्या? नहीं नहीं लगी, चेरी नहीं लगी है अभी। वो जामुन का पेड़ जो अभी बड़ा हो रहा है। ओ पर्सनली जामुन तो कुछ हाइब्रिड लग रही है क्या? हाइब्रिड है ना, तो जामुन भी हाइब्रिड लगाए हो। काफी बोनसाई टाइप का लुक आ रहा है इस पेड़ का। तो मुझे चीकू का पेड़, इसमें 11 चीकू फले थे। ज्यादा हाइट नहीं है इसकी, ये इसमें 11 चीकू फले थे, 11 चीकू इसमें, उसमें 9 चीकू। ये चीकू का पेड़ है, इसमें 9 चीकू फले थे, उसमें 9 चीकू और इसमें 11 चीकू। और ये जो ऊपर से ये जो निकला सीधे वाला, ये चीकू का नहीं है, ये उसके साइड में जिससे कलम किए थे वाला पेड़ है, साइड से उग गया है। और ये आधे एकड़ में है ना? हाँ। और ये स्टार फ्रूट, स्टार फ्रूट का पेड़ है ये। वाओ, तो चंदन के मर गए बहुत सारे। तो अभी गर्मी का सीजन है और सारे फ्रूट्स पहले ही लग चुके हैं। इधर काजू भी है जो कि फले थे बहुत सारे, हमने खाए भी ताजे ताजे। सही में? ये अभी और फलेंगे शायद, फूल आ रहा है। ये है काजू का है ना? ये फूल आ रहा है, इसमें कम से कम 10-20 काजू फले थे। बहुत काजू का पेड़, इतने बड़े बड़े काजू होते लगभग, उसमें से इतने से निकलते हैं। काजू का पेड़, उसको बीच से खाना पड़ता है। और ये फूल, इसमें भी आम फले थे 4-5, इसमें भी काजू फले थे 9-10। तो ये मिर्ची के पेड़ वेड़ भी काफी लगाए हो यार, लेकिन अभी गर्मी की वजह से सारे ही पेड़ यहाँ पे सूख चुके हैं। विचित्र प्रजाति का चंदन पाया गया है यहाँ पे जो हमने लगाए हैं, ये बहुत कम हो गए हैं। ये सफेद चंदन, सफेद चंदन एमपी में नहीं हुआ करते। तो एमपी मध्य प्रदेश में हम लोग यहाँ पे दीदी के गांव में आए हैं। सफेद चंदन साउथ में होते ज्यादातर। लाल चंदन होता है इधर, इसलिए लाल चंदन ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको। और अभी तुवल के भी हो रहे हैं। कौन सी तुवल बोलते हैं इसको पता नहीं, बहुत बड़ा पेड़ होता है इसका, इसलिए अभी इसको उखाड़ना जरूरी है। इसको उखाड़ना पड़ेगा, फिर इसकी जड़ ही रह जाती है, उससे बहुत पेड़ होते हैं, वो उसका ही है, इसलिए उसको उखाड़ना अभी जरूरी है। तो ठंडी के जो कि सिर्फ 6 महीने में इतना बड़ा हुआ था, फिर वो अपने आप गिर गया एक दिन। अच्छा, पेड़ कभी काफी कड़क होता है ना वाला मुंगने का। ये तुलसी, शाम तुलसी। तो ठंडी के दिन में हम फिर से आएंगे और उस समय मैं आपको इनके बैकयार्ड का सारा ही लुक दिखाऊंगा, और उस समय यहाँ पे काफी सारा रौनक होने वाली है, बहुत सारे पेड़ में काफी सारे ये बरबट्टी वगैरह सारी ही चीजें है यहाँ पे अवेलेबल। एप्पल बेर, 500 फल हुए थे, ये से लाइन से लगे। अरे हाँ, ये एप्पल बेर के समय तो मैं आया था ना। इसकी छटिंग कर दी है। रुक जा, मैं आ रहा हूँ दरी। ये वाला चंदन का बहुत अच्छा हुआ है। हाँ आ रहा हूँ। तो दीदी बुला रही है। चंदन के पेड़ लगभग, बेटा जाम खाओ ना आप। इस टाइप के होना था चंदन के पेड़, लेकिन हुए नहीं। ये देखिए इसका तना बहुत मोटा हो चुका है। ओ इसका स्टेम 2 साल का है ये पेड़। 2 साल का इसका स्टेम है, तो 2 साल का पेड़ है और इसका स्टेम भी काफी मोटा हो चुका है। वो अच्छा लग रहा है। सफेद चंदन है ना? लाल चंदन, ये भी लाल चंदन है और काफी अच्छा ग्रो किया है।
चीज दिखाना चाहेंगे, ये लाल चंदन सूख के गिर चुका है हवा तूफान में। अच्छा, लाल चंदन की लकड़ी है। हाँ, इसको सूंघिए, बहुत अच्छी सेंट आएंगी। इसको सूंघिए ऐसा। हाँ, और सफेद चंदन भी है ऐसे कुछ, उनकी और ज्यादा अच्छी सेंट आती है। इसकी कम आ रही है थोड़ी। दीदी आप जाम खा रहे हो ना? तो अब तक कितनी जाम खाए हो दीदी आपने? कितनी? बस इतनी। ये सफेद चंदन की लकड़ी है, इसकी सेंट ज्यादा आती है, इसकी बहुत अच्छी सेंट आती है, लेकिन अभी थोड़ी कम हो गई है। मामा लेके देखिए। अच्छी तो लग रही है ये। इसका जब तने की सेंट पूरी फैल जाती है जैसे परफ्यूम मारते वैसे। ये छोटी लकड़ी है इसलिए इसकी कम आ रही है। तो और कौन से पेड़ है? जैसे कि इसकी देखिए, यहाँ से इसकी सेंट देखिए यहाँ से। अच्छी है। और ये वाला जो एप्पल बेर का पेड़ है, ये सबसे ज्यादा फैला था। इसमें कम से कम 1000 एप्पल बेर हुई थी, कम से कम 1000, और ज्यादा से ज्यादा 1500 एप्पल बेर हुई थी इसमें। इसके भी छटिंग कर दिए है, अभी ये ठंडी में वापिस से फैलेंगी। तो बहुत छोटा पेड़ है ना ये? तो बहुत बड़ा था, अभी छटिंग की है ना। ओ अच्छा, हाँ काफी मोटा स्टेम लग रहा है इसका। हाँ ये काफी बड़ा था है ना पेड़, बस इसकी कटिंग छटिंग किया गया है इसका। हमारी बाड़ी का सबसे बड़ा पेड़ सफेद चंदन का, ये एक लौता पेड़ हुआ है इतना बड़ा। और ये रॉकी के पैरों से खोदा हुआ गड्ढा, रॉकी ने गड्ढा खोद दिया। और वो नीम का पेड़ जिस पे मैं अक्सर चढ़ा करता हूँ, हम जाम खाए, जाम 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 खाए। और ये देसी बेर है, ये आ गई नीतू दीदी। और ये हमारी देसी बेर है, कम से कम 10000 फल हुए थे इसमें, देसी वाली ये है। देसी बेर में 10000 फल रोज के कम से कम। अच्छा, कटिंग कर दिए ना उसकी भी? रोज के कम से कम 500 फल गिरे रहते थे। हम टोकनी भर के रोज सुबह ले जाते थे और शाम तक के खत्म कर देते थे। पूरी तरह से इसकी कटिंग कर दी गई है। और ये सफेद चंदन गिरा हुआ, ये सफेद चंदन, ये बहुत बड़ा था। वो केला भी है, उसमें भी फले बहुत सारे फले थे, अभी फलेंगे वापस से बरसात में। बरसात से लेके ठंडी भर तक के रोज हर बार फलते रहते। दादू एक जाम जरूर टेस्ट करना चाहूँगा, मुझे बहुत ही अच्छी लगी जाम। आप ये वाले सफेद वाली क्या लाल वाली टेस्ट करना? अभी कौन सी खाया था मैंने? लाल। लाल तो लाल ही खा लेता हूँ फिर से, अच्छी लगी थी। ये लाल जाम है हमारी बाड़ी की, ये अभी थोड़ी छोटी है। छोटी है लेकिन बहुत टेस्टी है। ये वाला फल पक चुका है, और इसको पहचानने का, पके वाले को पहचानने का तरीका है कि इसको दबा के देखे, नाखून नहीं गड़ाना इस पर, उसके कारण ख़राब हो जाते हैं। इसको बस दबा के देखना है पके के नहीं। ये दब रहा है पूरा, यानी कि ये पक गया है, ये टूट भी गया आसानी से। और जैसे कि ये कच्चा है, ये कच्चा है तो ये देखो, ये खींचने पर भी नहीं टूट रहा है। वाह क्या बात है दादू, आपको तो काफ़ी जानकारी है। तो पका हुआ फल काफ़ी आसानी से टूट जाता है, और दादू ने फिर से मुझे एक और जाम दिया है, काफ़ी अच्छी है और ये टेस्टी भी है। वैसे तो मैं भी एक जाम खाना चाहूँगा, ये भी आसानी से टूट चुकी है। इसको पहले बहुत सारी जाम यहाँ से कतर के फेंकना पड़ता है, फिर इधर से कतर के फिर खाना पड़ता है ऐसे। ऐसा साफ करने के बाद आप खा सकते हैं। टेस्टी है ये, बहुत ज्यादा टेस्टी है।
मुझे भी काफी टेस्टी लग रही है ये वाली।